इसमें थोड़ा सा अलग कैसा लग रहा है शायद आप नहीं बोल पाते हो लेकिन यहां पे हाँ। एक प्राउड वाली अलग फीलिंग बेटे को देखना जी। ये तो मुझे बाद में पता चला बाय द वे अच्छा मैंने, चेक किया, मैंने, हाँ। कि मैंने तो आपका बेटा है सो हाँ। तो, so, <laughs> तो जब आपने देखा इसको यू मस्ट बी सुपर प्राउड मैं अभी वैसे इसकी चौथी फिल्म गई है तो पहली तो ऐसे ही अरदास करा के वक्त में कोई बच्चा मिला नहीं हाँ। तो इसका ऑडिशन लिया तो ये पास हो गया तो ये आ गया फिर वो दिलजीत वाली जब हौसला रखा ही हाँ। वो भी ऐसे ही हुआ कि हाँ। वो कहते हैं इसी को लेना इसी को देख के बनाइए ये वो तब मैं डरता था क्योंकि मुझे था कि बड़ा रोल है हाँ। तो क्योंकि टाइटली इसका नाम हौसला था फिल्म में टाइटली इस पर था करेक्ट मैं कह यार और इतनी बट वो इतनी फिट बैठी फिल्म देन कैरी ऑन जटा आई तो अब ये तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इवन कल रात इस फिल्म की फाइनल स्क्रीनिंग थी हमारी जो जब हम फाइनल लॉक करते हैं फिल्म तो मैं पहली बारी देख के क्लाइमेक्स पे मैं इमोशनल हो गया है ना, ना मेरी आंखें भर गई तो मुझे भी लगा मैं क्या यार क्योंकि ये आ, और ऐसा सब्जेक्ट भी काम आता है जो सोशल कॉमेडी हो करेक्ट, करेक्ट। नॉर्मली क्या है कि पंजाबी में हम कॉमेडी करते हैं हाँ. बट सोशल कॉमेडी या हिंदी में भी जैसे थ्री के तो हाँ, हाँ. right, था right, था right, ना right. कि आप हंस भी रहे हो और आपको अच्छा मैसेज भी मिल correct, रहा है।, ये बहुत कम होती है और ये शिंदा नो वन ऑफ दू सीमिंग आप एक आपको लगता है मैं तो अपने बेटे को अगर स्टेज पर देखता हूँ बेशक वो सबसे लास्ट आ रहा हो तो वाओ आपके हाँ। साथ अब ऐसे होता है क्योंकि अब ये प्रोफेशनल एक्टर हाँ मैं इसको ये कल परसों हम पंजाब में थे कहीं एक जगह पे तो प्रमोशनल एक टूर शो था तो ये तो गया नहीं था कभी तो मैंने इसको ये घर पे था तो इस साइड मैं कह के तू चलेगा तो इस साइड के ओके <laughs> तो मैं क्या वहाँ पे स्टेज पे जाना पड़ेगा अच्छा कि बोलेगा भी कहता हाँ मैं बोलूँगा चलो मैं क्या बहुत ऑडियंस होगी कहता आई नो मैं क्या तेरे को कैसे पता कहता मैं देखता हूँ जब आपको कि आप कितने ऑडियंस होती है तो मैं चलूँगा तो ये गया और मैं पहले चला गया और मैं एक दो गाने परफॉर्म किया और लोगों को बताया मैं क्या अभी सो छिंदे को बुलाता हूँ तो मैं क्या छिंदा तो ये आया पीछे से म्यूजिक लगा तो ये पूरा काट व्हील मार के ये अकड़ा आया है ना तो मैंने इसको देखा मैं मैं शॉर्ट हो गया मैं तो काफ़ी देर रहा ना। जो मैं चलो इसने बातें बातें की इसने आके बोला कि सत श्रीकाल थैंक यू एवरीबडी ये हाँ। वो है ना तो मैं क्या कि तू कहता मैंने ना आपके वीडियोस देखे थे अच्छा क्या आप क्या बोलते हो कहता मैंने वही जाके बोल दिया कहता और बोलना क्या था सबको यही बोलना था कि थैंक यू आप आए हो हाँ। और ये हमारी फिल्म है और जाके देखी हो तो है ना क्या ठीक है एक्चुअली क्या क्या भाजी हमारा जो टाइम था ना हमें तो बात ही नहीं करनी आती मतलब घर वाले घर कोई गेस्ट आया था वो बोलते थे कि इसको सत श्रीकाल भला ऐसे ही खड़े रहते थे ना मतलब हेलो करनी बड़ी मुश्किल लगती थी आजकल बच्चे खुद जाते हैं मतलब मेरे घर में कोई आया हो जैसे आप बैठे हो वो अगर आता तो उसने प्रॉपर आपको मिल गया हेलो सर हेलो भाजी ऑव यू जब भी के अपनी बात करनी थी कि पापा मुझे ये वो है वो बच्चों को वो है ही नहीं है ना वो माइंड उनके ब्रॉड हो गए हैं वो थॉट प्रोसेस ही अजीब बट वो रिस्पेक्ट तो करता है कि आप इतने बड़े एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल में अक्सर ये बोलता जब भी मैं गिप्पी पाजी से मिलता हूँ पंजाबी सिनेमा इतना बड़ा हो चुका है। आप मुश्किल uh, मुश्किल फिल्में लेते हैं। जी जी। और मुश्किल फिल्मों को रिलीज करवाना चलो ये मुझे लग ही रहा है ऑलरेडी सुपर हिट लग रही है Because it's so funny. But हर बार आप ऐसी तो लेते हो डू समथिंग आपके बेटे जानते हैं या यू नो आजू बाजू के लोग जानते हैं कि पंजाबी सिनेमा में के लिए आप क्या कर रहे हो बिकॉज एज अ सिंगर एज अ स्टार एक अलग चीज़ है बट फॉर सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत कुछ किया है एक्चुअली मैं ना उनको आ, सिर्फ क्या है कि मैं कई चीज़ें मेरी मेरे मन करता है कि मैं उनको बोलूँ क्योंकि तो मैं ये तो नहीं बोलता कि मैंने सिनेमा के लिए क्या किया या यू मैंने उनको सिर्फ ये बोलता हूँ कि बेटा देख अब हम कहीं पर भी बैठे हैं कुछ भी हैं पहली चीज़ हमेशा याद रखना कि हम पंजाबी हैं ठीक है तेरे बाप को जो रोटी मिली है ना तेरे बाप को जो रिस्पेक्ट मिलने लगी है वो सिर्फ पंजाबी ज़ुबान से मिलने लगी है क्योंकि मैं यहाँ पे भी जाके आज बैठ रहा हूँ आज बॉम्बे बैठ के मैं किस चीज़ की प्रमोशन कर रहा हूँ पंजाबी फिल्म दी कि यार एक पंजाबी फ़िल्म आ रही है ऐसे ऐसे है तो मैं क्या कि वो कहता कि मैंने गेम खेलनी है मैं क्या यार मेरे लिए कहता मैंने बास्केटबॉल खेलनी है मैं क्या यार मैं तो चाहता हूँ कि तू बास्केटबॉल खेले और वहाँ गोरे कालों के बीच में एक बंदा भाग रहा है सर पे जुड़ा है और पीछे लिखा है सिंह मेरे मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट है ये है ना मैं क्या आज कोई बंदा ऊपर पहुंचता है पंजाबी बंदा तो हमारी सारी और एक बारी मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आ, पंजाबी इंडस्ट्री में अभी जो अभी का जो टाइम चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है गाने बहुत हिट हो रहे हैं Always. पंजाबी आर्टिस्ट हिट हो रहे हैं और मेन स्ट्रीम में मेन स्ट्रीम में पूरी तरह घुस चुके हैं yes. कोई बंदा भी कुछ करता है जिस दिन कैरी ऑन जट्टा ने सौ करोड़ मारा था तो मैं मैं तो खुश था ही था मैंने जब देखा ना जैसे लोग कर रहे थे तो सब पूरी इंडस्ट्री ने सेलिब्रेट किया उनको लग रहा था कि यार छोड़ो गिप्पी को हमारी भी तो फिल्म है करेक्ट है ना वो एक हमें जो एक मोमेंट मिलती है ना वो अच्छा लगता है सो मुझे लगता है सब अपना अपना सोच नहीं तो नॉर्मली लोग अपना अपना सोचते हैं कि यार ये मैं ऐसे निकल गया मैं वैसे निकल गया जब इंडस्ट्री ग्रो करने लगती है तो सब इकट्ठे चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है

आ, किसी चीज़ को कुछ करता है ए पी टिल्लों आया उसकी अलग फैन बेल्ट है दलजीत ने अभी ये जो शो किए ये माहौल बनाया ये अलग चीज़ है तो इस चीज़ों से क्या होता है जैसे पहले थे हनी सिंह आया बादशाह आया हुँ। 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 तो रास्ते खुलते हैं है। और रास्ते खुलते हैं सो रादर देन फीलिंग लाइक के यार ये ये आगे निकल गया वो पीछे रह गया वो पीछे रह गया मुझे तो उल्टा सोचना चाहिए यार कितना इजी हो गया वो डोर खोल के चला गया है अब भाग के निकल जाओ और आगे चलो और ये चलो वो चलो सो आज आज जब मैं आपको बताऊं लोग मजाक समझते थे जब हम सोचते थे कि पंजाबी फिल्म सौ करोड़ कर जाएगी वो सामने बात नहीं करते थे वो पीछे जाके हंसते थे ये पंजाबी फिल्म थोड़ी सौ करोड़ कर जाएगी इनको गलत फहमी है इनको ऐसे है इनको वैसे है जब एक पंजाबी फिल्म ने सौ करोड़ किया ना मैं आपको बताऊँ इस साल पंजाबी इंडस्ट्री में इतना जोर लगा हुआ है यार हम तीन चार कर देंगे सौ करोड़ के ऊपर है ना और मैं दिल से चाहता हूँ और हमें वो चीज़ होगी कि जल्दी रिकॉर्ड टूट के आगे आए फिर और चैलेंज खड़ा होगा आप आगे करो क्या करते हो Correct. वो करेगा वो करेगा वो करेगा सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब ऐसे चलता है ना तब माहौल बनता है कई बार क्या होता है कि कई फिल्में बनती है अब हमारे में फिल्में ऐसे बन रही हैं कि यार अच्छा बना के आगे लेके जाना है कई बार फिल्म ऐसे बनती है कि यार एक प्रोजेक्ट बनता है पैसे ले लो यार बड़े पैसे मिल रहे हैं इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो हम अब बॉलीवुड में भी आप देख लो अब कई फिल्में हैं कि कितना अच्छा काम कर रही हैं कई फिल्में नहीं काम कर रही वो तो प्रोजेक्ट वाली बात जो हाँ, आपने बहुत है लेकिन एक और चीज़ मैं देखता हूँ पंजाबी सिनेमा में साउथ बहुत ही करती है जहाँ पे बॉलीवुड का एक्टर ले लिए यहाँ से एक्टर ले लिए लेकिन पंजाबी में अभी तक मैंने ये आदान प्रदान इतना नहीं देखा है हाँ ऐसा क्यों सर वो रीजन क्या है कि अभी अभी ना पंजाबी जो ये लास्ट दो साल डेढ़ दो साल हुए हैं इसमें माहौल चेंज हुआ है बहुत ओके अभी तो आगे पूरा ही हो, हो चला है जो मुझे लगता है आगे वाले चार पाँच साल हैं इनमें बहुत बहुत Change कुछ घूमेगा okay. बहुत कुछ घूमेगा इवन वी आर वर्किंग तीन चार बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत कुछ उनमें है तो मुझे लगता है वो बहुत चीज़ें आने वाली हैं अब क्या है कि साउथ को आ, साउथ को अगर बॉलीवुड से कंपेयर करते हैं तो ठीक है साउथ को भी पंजाबी से कंपेयर नहीं कर सकते हाँ। क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना उनकी फिल्मों में बहुत पैसा लगता है उनके आर्टिस्ट बट ऐसा नहीं है हम अगर अपनी ग्रोथ देखें तो ये ग्रोथ क्या है पिछले दस साल की ग्रोथ है Correct. दस साल से पहले पंजाबी इंडस्ट्री है ही नहीं थी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी मतलब कोई दो साल में एक फिल्म मर रही है एक साल में एक फिल्म मर रही है और फिल्म का बजट क्या है करोड़ रुपया चलती कितनी है चार करोड़ का धंधा है तो मतलब ऐसे होता था कि हिट है है हाँ। ना तो अब अब तो चीज़ें चेंज हो गई है ना बट मेरे को तो समझ नहीं आती कि बचपन से हम देखते हैं अगर जसपाल भट्टी सर होते थे ह्यूमर में परफॉर्मेंस में एक्टिंग में हम सिर्फ पंजाबी लोगों को ही देखते थे टीवी, टीवी, पर भी देखते थे हाँ तो ये फिल्मों को बनने में इतना समय क्यों लगा बिकॉज अभी तो आपने एक्चुअली क्या था ना मैं आपको बताऊं जो इंडस्ट्री थी ना बॉलीवुड हाँ। वो एक बड़ी इंडस्ट्री थी हाँ। और जो टैलेंट निकल के आता था, था ना जैसे पट्टी साहब को भी आपने देखा किस फिल्मों में पंजाबी हिंदी फिल्मों में अब यहाँ के बड़े एक्टर लगा लो अब ये कपूर खानदान तो पूरा हमारा है ठीक हाँ, है करेक्ट धर्म जी सबसे बड़े आर्टिस्ट करेक्ट, करेक्ट दिलीप साहब करेक्ट ठीक है टिपिकल पंजाबी बोलते थे ठीक हाँ, है आज भी बोलते हैं दत्त साहब कर ठीक है सारे के सारे सो धर्म जी को जब मिलते हैं बैठते हैं तो धर्म जी बोलते हैं कि जब हम बैठते थे कहते दिलीप साहब हम चार पाँच लोग कहते हम कभी हिंदी में बात ही नहीं करते थे निकलती नहीं थी कहते कहते भी, हाँ भाई वो है ना आ गया तो ये वो अब धर्म जी के साथ बात करो तो वो इतनी ओथेंटिक पंजाबी बोलते हैं है ना तो इतना मजा आता है वो चीजें सुन के है ना सो तो क्या है कि सबके सब के साथ अब उसकी जनरेशन के बाद भी आज तक बॉबी पाजी क्या है बॉबी देओल साहब पंजाब टिपिकल सो तो वो तो वो मर्ज हाँ मर्ज हो गया था है ना तो अभी क्या है कि अभी इंडस्ट्रियाँ ग्रो होने लगी हैं तो अब पंजाबी की एक अपनी इंडस्ट्री खड़ी होगी कि यार अगर आप पंजाबी हो तो आप पंजाबी में ही काम कर सकते हो आपका था अमज वो है तो अभी साउथ वाले की इंडस्ट्री और बड़ी क्यों होगी मैं आपको बताऊं क्योंकि पहले क्या होता था कि साउथ में अगर कोई बड़ा होने लगता था तो वो हिंदी में आ जाता था करेक्ट अब साउथ इंडस्ट्री इतनी, इतनी बड़ी, बड़ी हो गई है, है तो उसको लगता है कि नहीं जरूरत है मुझे करेक्ट हाँ वो है आई थिंक यू नो दिस चेंजिंग टाइम्स के साथ तो बहुत चेंज हो ही जाता है बट करंट मार्केट भी तो बढ़ते जा रहा है जैसे हम इसकी बात कर रहे थे आप बोल रहे थे कि कनाडा में ही इट इतना ज्यादा बिजनेस होने वाला है एंड आई थिंक हमारी जो एक्सपैट पॉपुलेशन है अब बहुत तो ज़्यादा सपोर्ट देने लगी लग है सर बहुत ज़्यादा क्योंकि क्या है कि मैं कई बार नोटिस करता हूँ कि पहले क्या होता था कि जो पंजाब का बिजनेस होता था सिर्फ पंजाब का उसका फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट बिजनेस होता था पूरा ओवरसीज का अच्छा आप पंजाब जितना बिजनेस सिर्फ कनाडा का हो रहा है वाह है ना अगर आपकी मेन मार्केट कनाडा ही मानी जाएगी आज भी अब पंजाब और कनाडा मेन मार्केट है दो अभी पैरलर ही है ठीक है अगर सौ रुपये पंजाब में बन रहा है तो सौ रुपये कैनेडा में बन रहा है ठीक है तो बाकी की पूरी एंटायर में सौ बन रहा है सो तो वो मतलब तीन हिस्से हो गए तो बाकी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत स्ट्रांग है ठीक है यूके ठीक है बट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉग है ज़्यादा उसमें भी बहुत पंजाबी है बट क्या है कि ओवरऑल पंजाबी फिल्में ज़्यादा देखने लग गए पहले डेली में कलेक्शन ही नहीं आती थी दिभाजी है ना तो दिल्ली में बहुत कम लोग अवेयरनेस कम होती थी फिल्म का पता नहीं चलता था अब लोग देखने लग गए बॉम्बे देखने लग गए माला याद है कि कैरी ऑन जट्टा के टाइम पहले भी मैंने एक बार डिस्कस की तो जब हमने बहुत प्रमोट की शोर शराबा हो गया ये कैरी ऑन जट्टा थ्री के टाइम ना तो जब वो लिस्टें आती हैं तो हम मैं खुद बैठा हुआ कि कहाँ कहाँ अरे इतने शो लग गए ऐसे हो गया ऐसे हो गया तो देख रहे तो आ गया चेन्नई तो मैं देख रहा हूँ कि चेन्नई में मैं भाई ये इतने सिनेमे चेन्नई में लग गए छः छः शो पाँच पाँच शो इसको कम कर देते हैं कहता क्यों मैं यार रीजन क्या है कि सब जगह फिल्म का माहौल लग रहा अब अब चेन्नई खोलेंगे तो वहां पे वो लाल लाल नहीं होते मैं क्या वो लाल लाल नहीं होंगे मैं मैं यार एक स्ट्रेस देगा कहता नहीं, नहीं भाजी कहते चेन्नई में कौन सी कितनी फिल्में लगती है इतना ही प्राउड है कि चेन्नई लगी बिलीव करना एक भी ग्रीन नहीं बचा टोटल चेन्नई सोल्ड आउट होगा टर्म और नेक्स्ट डे शो बढ़े सब कुछ हो गए मतलब हर जगह पे जहाँ जहाँ इंदौर लखनऊ जहाँ कम लगती थी वहाँ पे इतने शोज बढ़े क्योंकि हमने कम लगाए थे कि मतलब एक माहौल बन गया सो तब क्या होता है भाई कि जैसे कई बंदे टिपिकल जैसे कई हिंदी फिल्में नहीं देखते करेक्ट करेक्ट बट कोई बहुत पावरफुल फिल्म आती है ना जिसका शोर शराबा है राइट वो भी देख लेते हैं जैसे बाहुबली आई तो पंजाब में इतना शोर शराबा था कि बाहुबली बाहुबली जो साउथ की फिल्में बिल्कुल नहीं देखते थे वो भी देख गए चलो देखते हैं वैसे कह रही होता है अब क्या तो, है कि प्रमोट राइट होनी चाहिए फिल्म और अगर आगे फिल्म अच्छी है तो ये तो मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट स्क्रिप्टी बहुत अच्छी हो जाती है बट गिप्पी गरेवाल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें करते हैं जी मेरी प्रॉब्लम कई बार मुझे लगता है कि यू नो वो होता है ना जो एक अगर कप्तान होता है जो बहुत बढ़िया बैट्समैन होता है बॉलर होता है फील्डर होता है कप्तान भी होता है कई बार आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उठा लेते हैं नहीं 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 मुझे लगता उसमें आपको लगता है कि किसी एक्टिंग तो अलग रहती है लेकिन बाद में आपको लगता है कि इससे अगर आप थोड़ा सा कम करें देन मे बी माइट हेल्प यू मोर एज अ पर्सन या फिर नहीं आपको चाहिए इतना के नहीं नहीं केस है नहीं मुझे लगता है क्योंकि तो अगर मैं देखो मैं मान लो मैं चार फिल्में करता हूँ हाँ ठीक है जी तीस से पैंतीस दिन मेरे चाहिए अगर चालीस पैंतालीस दिन की शूटिंग है तो उसमें तीस पैंतीस दिन मेरे हैं ठीक है पैंतीस दिन दे दिए चार महीने बारह महीने में शूटिंग करता हूँ मैं ठीक है उन चार फिल्मों को प्रमोट करने के लिए दो महीने लगा लीजिए छह महीने हो गए अब छ महीने में फिर बेला हूँ ठीक है भी। मैं अपनी फैमिली को फुल टाइम देता हूँ वो सब भी तो होते हैं वो भी करते हैं तो अब वो वीकेंड पे शो हो गया पांच दिन फिर फ्री हो शोज निकाल लो अगर कितने कितने शोज कर दिए मतलब रेगुलर उतने शोज तो मैं करता नहीं कि कि यार ऐसे है महीने में दो कर लिए ठीक है एक कर लिया ऐसे है ठीक है मजे से तो वो बहुत टाइम है इनफ टाइम है वो इन बिटवीन हम प्रोडक्शन हाउस के लिए और फिल्में देखते हैं कि यार ये बना लेते हैं इसमें मैं नहीं भी हूँ कि यार ये कहानी अच्छी लग रही है लेट्स डू इट इसको आ, बनाते हैं उसको बनाते हैं ऐसी चीज़ें होती रहती हैं सो बहुत टाइम है मैं क्लियरली मैथमेटिकली आपने सब सेट कर रखा है नहीं वैसे ही हो जाता है भाई कई मुझे पूछते हैं कि फैमिली के लिए टाइम कैसे निकलता है तो मैं बोलता हूँ कि यार क्या बकवास बातें हैं कैसे नहीं निकलता टाइम आप जिसको प्यार करते हो करेक्ट आपने पैसा कमाना है तो आपको लगता है कि यार मैं जाके फिल्म करूँ

एज प्रोड्यूसर एज अ एक्टर हु ऑल आपका एक नंबर होता है दिमाग में अगर इससे ऊपर चलेगी तो थोड़ा सा आप पार्टी करेंगे मैं मैं वैसे फ्लॉप पर भी पार्टी करता हूँ अच्छा मुझे ऐसा लगता है मैं पहले भी कहता हूँ कि जीने आए हैं यार ठीक है तो कम से कम वो तो करें ना आप लगे हुए हो पैसा कमाने ये चीज़ें कमाने एक चीज़ है जो सिर्फ अपने खर्च करनी है आप कमा नहीं सकते वो है आपकी जिंदगी आपका वक्त वो दोबारा थोड़ी आना है उसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए उसको एंजॉय करना चाहिए तो मैं मतलब मेरा टारगेट है अभी मैं ये दस को फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद मुझे कोई हफ्ते का काम है वो करके मैं वापस जा रहा हूँ तो एक महीना मैं ऑफ हूँ कुछ हो जाए उस महीने में कोई व्हाट्सएप ये वो चेक करना है। नाम बराबर कर देता हूँ अखबार की तरह कर देता हूँ जैसे सुबह उठता हूँ तो अपनी टीम ने मैसेज वैसे छोड़े होते हैं कि भाजी ये है वो है वो है तो उनको पंद्रह बीस मिनट लगा के सब चीज़ें डन कर देता हूँ उसके बाद रात को देखता हूँ घर में है ना कि तो बच्चों के साथ फन और मैं बहुत उनको वैसे ही इंजॉय करता हूँ जैसे इसको नारूटो पसंद है अच्छा। वो करेक्टर सा एनिमेशन अच्छा तो मैं पहले ऐसे ही बैठ जाता था वो टीवी पे चलता था मैं क्या बकवास है मैं बैठा रहता था देखता था बट मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं ना इसके साथ जुड़ नहीं रहा तो मुझे लगा कि अगर मुझे छिंदा के साथ जेनवनली जुड़ना है ना तो मुझे उसके साथ जुड़ना पड़ेगा तो मैंने भी उसको अपना फेवरेट बना लिया ठीक है बास्केटबॉल मुझे पसंद नहीं थी अब ये खेलता है तो मेरी फेवरेट गेम बास्केटबॉल है बस तो मैं खेलता हूँ इसके साथ तो मैं पूरा खेलता हूँ और मैं पैशन से खेलता हूँ चाहे गलत खेलूँगा और मैं बहुत अच्छा खेलने लग गया इस चक्कर में है ना हाँ तो मैं वो एन्जॉय करता हूँ तो मुझे है कि वो चीज़ करनी चाहिए अगर आप ऐसे टाइम पास करते हो तो आपको पता लग जाता है आगे वाले बंदे को कि यार कि ये ही वो बोर हो रहा है हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट आपको सर ये गेम पता किसकी है ये इमोशन की चीज़ है ये कनेक्टिविटी इमोशन की है अगर उस चीज़ में इमोशन नहीं है ना

सारी फिल्म इसके ऊपर है और मैंने इसको मैंने तो इसको देख के एक दिन जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने जाके इसको हक किया और मैंने कहा कि तूने बहुत अच्छा काम किया और उसको आज भी ही फील्स के पापा मेरे को पैम्पर कर रहे हैं कि इसलिए बोल रहे हैं मैंने मुझे तो बहुत अच्छा लगा है करता आपके साथ में पापा ये वाली फिल्म मेरी बहुत अच्छी चल गई अब आपने इतना बिजनेस कर लिया आप तो बड़ा समझ आता कुछ उसको गिफ्ट्स गिफ्ट्स मिलते हैं डज ही गेट मॉनेटरी नहीं उसके पास वो उसका खाता है अच्छा पूरे का पूरा वो आईफोन पे लिखता है आपने अच्छा। ना उसने फ़ोन लिखा है तो मैंने उसको बोला कि चल तेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे है ना अच्छा। इस चीज़ की तो उसको ठीक है अगर मैं उसको बोलूँ कि मैं खुश हो गया कोई चीज़ है तो मैं उसके ले गया तो मैंने उसको पैसा दे दिया कुछ कि यार ये ले ले तो अब उसने लेना नहीं है तो अब उसने पैसे इमीडिएटली पकड़े तो उसने लिखा कि प्लस टू हंड्रेड डॉलर है ना तो वो पूरा स्नैपशॉट खींचता है टाइम लिखता है अपनी मॉम को भेजता है कि मुझे पापा ने दिए हैं तो टक और वो पूरा मेरे को भी दिखा देता है और वो अपनी मोम को भेज देता है स्नैपशॉट पूरा ऐसे रखता है अगर कोई चीज खर्च करता है तो वो जाता है कि मोम मुझे ये लेना है ये पैसे दे दो हाँ तो उसमें से काट लो ये मुझे मंगवा दीजिए ये कर दीजिए वो पूरा ऐसे रखता है ब्रिलियंट है, है। थैंक यू सो मच भाजी भाजी थैंक यू मुझे लगता है कि ये सही कदमों पर चल रहा है एंड आई थिंक गिपी भाजी ने जो एक आज शब्द बोले ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड बी फुल्ली इनवॉल्व और उस इन्वॉल्वमेंट के साथ भी बहुत लेजर टाइम भी मिल जाता है और ये बहुत जरूरी है द रीजन वाई वो अलग टाइप ऑफ सिनेमा कर पा रहे हैं द रीजन वाई जब आप एक ट्रिलर देखते हैं बोलते हैं वाह समथिंग डिफरेंट ये बहुत चल जाएगा सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थैंक यू भाई एंड द नेक्स्ट टाइम एंड सू